बोलावा तो नहीं आवे छे बोलावे ना आवे छे अरे पता भी ना चले छे की ना पता भी ना लगे छे आ ना दाल चावल दे छे ना दाल दे छे ना चावल दे छे ना गेहूं दे छे कुछ नहीं अब लोग कुछ नहीं मिलता है आंगनवाड़ी में और चले जब तक आप लोग कभी आंगनवाड़ी ना भेजे हैं नहीं इस मुद्दा को लेकर हमने समुदाय के साथ बातचीत किए और वीडियो बनाए और ब्लॉक गए सरकारी अधिकारी के साथ बातचीत किए तो उन्होंने 3 महीने को टाइम दिया। ठीक 3 महीने के बाद 22 नवंबर 2013 को पोसहार क्षेत्र में सुपरवाइजर सेविका मिल के पोसहार वितरण किया। अभी कितना चावल कितना दाल बटाया जा रहा है? 86 kg इसी बार बटाएगा कि फिर अगला बार ही पहले वाला हो जाएगा? हर बार बटाएगा। और आपको आंगनवाड़ी में दाल चावल मिल रहा है ना? हाँ। कितना मिला था? 1.5 किलो चावल 1.25 किलो दाल। और आज नया केंद्र भी बन गया है, 1 सप्ताह के बाद केंद्र में पढ़ाई भी चालू हो जाएगा। कब से स्टार्ट किए थे? यही 3 महीना जो है कि स्टार्ट हुआ है। हाँ, कितने दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा? 7 दिन में हो जाएगा कंप्लीट। आंगनवाड़ी में दाल चावल मिल रहा है ना? मिले छे। और भवन सब कुछ मिले छे, अब बनी गेलो छे। ओहो, बच्चा सब खाना पीना बढ़िया दे छे। और सेविका आप समय से आंगनवाड़ी के नाता है ना? हाँ। और बच्चे के ऊपर ध्यान रखता है वो? ध्यान दे छे। हम जब गांव में गए थे वीडियो बनाने के लिए तो आप मेरे साथ थे ना? हाँ। उसके बाद ब्लॉक कई बार गए थे मेरे साथ? 3-4 बार। CDPO क्या बोला था? बोला कि हाँ हम तो नहीं जा सकेंगे ऐसे, फिर दोहरा कर के सुपर भाजर जो आकर को तब दूसरा मैंने की भेजा तो दाल चावल बांट दिया। केंद्र भी बन गया अभी? हाँ बन गया है। हाँ। अभी 6-7 दिन अभी लगेगा, 1 महीना से बन रहा है, अभी 6-7 दिन लगेगा बने में। इस बदलाव लाने के लिए हमारी समुदायक उमा देवी, वार्ड सदस्य, CDPO तथा हमारी पति भी साथ दिए। आज की आंगनवाड़ी केंद्र में पोषाहार सही सही से मिल रहे हैं और नया एक मकान भी बन गए हैं जिनमें कि 1 सप्ताह के बाद उसमें पढ़ाई भी चालू हो जाएंगे। मैं रीना, जिला कटिहार, बिहार, इंडिया, अनहट के लिए।